لله كلهم. مولاي صلي دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صلي. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोफियाज व्लॉग। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए करें, इन्हें लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन हैं वो बर वक्त मिलते रहें। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं बहुत आसान है, बिस्किट्स विदाउट ओवन। हम लोग आपको दो तरह के बिस्किट बना के दिखाएंगे, टू टाइप्स के बिस्किट होंगे और विदाउट ओवन होंगे, आप लोग इजीली घर में बना सकते हैं और बहुत अच्छे टेस्ट से बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने आइसिंग शुगर ले लिया है एक कप, एक अंडा उसको हमने फेंक लिया है। उसके अलावा हम लोगों ने एक आधा कप जो होता है, एक और आधा कप घी ले लिया है और एक कप मैदा ले लिया है। उसके अलावा बेकिंग सोडा एक चम्मच और उसके अलावा एक चम्मच ही हम लोगों ने बेकिंग पाउडर ले लिया है। सबसे पहले जो हमने बाउल लिया है हम उसके अंदर हमारे घी को डाल देंगे और उसके अलावा हम इसके अंदर हमारी आइसिंग शुगर डाल देंगे। अब हम इसको फेंकेंगे अच्छे तरीके से। घी और चीनी को आपने अच्छे तरीके से फेंकना है ताकि वो एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाए। अगर आपके पास घर में आइसिंग शुगर नहीं अवेलेबल तो आप लोग चीनी को पीस के बना सकते हैं। अब हमने इसके अंदर हमारा फेंटा हुआ एक अंडा हमने आपको दिखाया है वो डाल देंगे हम लोग। थोड़ा थोड़ा करके डालना है। हमने इसको अच्छे तरीके से फेंकने रही, जैसे कि हमारा जो मिक्सर है वो हम लोगों ने बीट कर लिया है। और अब हम इसके अंदर, हमने आपको दिखाया था एक कप मैदा ले लिया है हमने, हम थोड़ा थोड़ा करके पहले छानेंगे उसको। और छानने के बाद पहले हम थोड़े से उस मिक्सचर को करेंगे मिक्स, उसके बाद हम दूसरे मिक्सचर को करेंगे मिक्स। अब आप देख सकते हैं, अब हम अपने पहले इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर पहले बाकी मैदे को डालकर, इसके अंदर हम लोग एक चम्मच बेकिंग पाउडर और एक चम्मच हमने साथ में ले लिया था मीठा सोडा, उसको डालकर मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसको छानेंगे और उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको अपने बाकी के मिक्सचर के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसको हाथ की मदद से घूम लेंगे सही तरीके से ताकि जो उसकी डो है वो सही तरह से बन जाए। हमारी जो डो है वो बन चुकी है, अब हम इसको हाफ कर लेंगे। आधी हमने इधर बना ली, अब हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे। अब हम, आप देख सकते हैं दूसरी डो हमने इसमें रखी है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर चॉकलेट चिप डालेंगे। चॉकलेट चिप डाल दिया हमने, अब हम सबसे पहले इसके, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चॉकलेट चिप जो है वो पूरी डो के अंदर मिक्स हो जाए। और जब हम इसके बिस्किट्स बनाएं तो, इसकी कुकीज़ बनाएं या बिस्किट्स बनाएं तो सारा टेस्ट जो है चॉकलेट चिप का भी आए इसके अंदर। ज़्यादा भी आपने चॉकलेट चिप नहीं डालने हैं, बस नॉर्मल। अभी आप देख सकते हैं जो डो है हमारी ये तैयार हो चुकी है। अब हमने हमारी जो दूसरी डो है वो हमने बाउल में डाल दी है। अब हमने इसके अंदर दो चम्मच कोको पाउडर डालना है, एक चम्मच, और ये दूसरा चम्मच हमने कोको पाउडर का डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे।
अब हमें इसको मिक्स कर लेंगे। डो को आपने तब तक मिक्स करना है तब जब तक ये पूरी। अब हम इसके अंदर चॉकलेट सिरप डालेंगे एक चम्मच। चॉकलेट सिरप से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपने कैरेमल बिस्किट्स बनाने या स्ट्रॉबेरी बिस्किट्स बनाने हैं तो आप लोग उनका यूज कर सकते हैं सिरप। पैन ले लिया है, बिस्किट्स पैन, और इसके अंदर हम ऑयल डालकर इसको ग्रीस कर। अब हमने जो पैन है वो ग्रीस कर लिया है, अब हम लोग बिस्किट्स के बॉल बनाएंगे। अब हम लोग एक चॉकलेट बिस्किट्स का करेंगे। दूसरी तरफ हम लोगों ने एक कढ़ाई लेकर उसके अंदर नमक डालकर 3 से 4 किलो नमक डाला हमने, और उसके ऊपर हमने एक स्टील का रख दिया। हम इसके ऊपर हमारा पैन रख देंगे। ये कुकीज़ विदाउट ओवन है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप घर में कोशिश करेंगे बनाने के लिए तो। बहुत ईजी है, जिनके घर में ओवन नहीं होता है वो लोग विदाउट ओवन भी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं ईजीली। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमने हमारे बिस्किट के ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं किया है, हमारी कुकीज़ बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही आप लोगों को बहुत अच्छी कुकीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। हम लोगों ने बना ली है, खुली खुली करके रखी है, डिस्टेंस इसके अंदर छोड़ा है ताकि जो कुकीज़ हैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर होते हैं उनका साइज़ जो होता है डबल हो जाता है। तो अब हमने अपने पैन के अंदर रख दिया, अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे बनने के। हमारे रहीम, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे बिस्किट्स हैं वो बन चुके हैं, और आप देख लीजिए ये बहुत सॉफ्ट है हमारी कुकीज़। Whoa.